हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th में पढ़ रहे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही खास है। हम सब जानते हैं कि जो क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मार्कशीट हो, TC हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो या माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल्स मेंशनड है, पर्सनल डिटेल्स मतलब स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, फादर मदर या कोई लीगल गार्डियन है तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर स्टूडेंट किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है SC ST OBC तो वो, ये सारे पर्सनल डिटेल जो भी क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट और बाकी डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं वही आधार बनता है स्टूडेंट के आगे बनने वाले डॉक्यूमेंट के लिए, चाहे उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बैंक का काम हो, पासपोर्ट, वीज़ा, किसी भी चीज़ में जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके डिटेल्स इस 10th एंड 12th के जो भी पर्सनल डिटेल मेंशन है उससे मैच होने चाहिए। कई बार जब हमारे हाथ में मार्कशीट आती है या 10th एंड 12th का कोई भी डॉक्यूमेंट हाथ में आता है तो हमें पता चलता है कि इसमें तो जो स्पेलिंग है स्टूडेंट के नाम का वो गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसके लिए हमें अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे हम ये कंफर्म कर ले कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आता है 10th एंड 12th का उसमें जो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल सही हो, उसमें कोई भी गलती ना हो। तो वो चार मौके स्कूल हर स्टूडेंट को देता है जहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट स्कूल से कॉन्टैक्ट करा के ये कंफर्म कर सकते हैं कि उनकी सही सही डिटेल CBSE को पहुँचे, ताकि CBSE द्वारा जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो उसमें भी स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स करेक्ट हो। तो वो चार मौके कौन कौन से हैं इसी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला मौका होता है रजिस्ट्रेशन का। अगर स्टूडेंट को क्लास 10th का एग्ज़ाम देना है तो क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन होगा, अगर क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन क्लास 11th में होता है। ये रजिस्ट्रेशन अराउंड अक्टूबर के होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपको स्कूल को कॉन्टैक्ट करना होगा। तो जब ये रजिस्ट्रेशन होने वाला होता है तो हर एक स्कूल अपने स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को ये मैसेज देता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल में सबमिट करें जिससे वो ये कंफर्म कर सके कि बच्चे का सही डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके नाम की स्पेलिंग क्या है, उसके पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग क्या है। वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पेरेंट्स के आधार कार्ड, अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो SC ST OBC के पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, वो मंगवाते हैं ताकि स्कूल अपनी एक लिस्ट तैयार कर सके कि ये स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल ये है। ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के समय स्कूल इसलिए मंगवाता है ताकि बच्चे की करेक्ट डिटेल उनके पास रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन हो सकता है बच्चे का उस स्कूल में नर्सरी में हुआ हो, क्लास 2 में, क्लास 3 में हुआ हो, उस टाइम पेरेंट ने एडमिशन के फॉर्म में किसी नाम की स्पेलिंग में A के बदले E लिख दिया या डेट ऑफ बर्थ में कोई डेट गलत हो गई, उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वही डिटेल रिपोर्ट कार्ड में आता रहा और जो स्कूल का रिकॉर्ड है उसमें बच्चे की पर्सनल डिटेल कुछ और है लेकिन एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 10 नवंबर 2010 है लेकिन आपके रिपोर्ट कार्ड में चला आ रहा है 11 नवंबर 2010, तो स्कूल में चला आ रहा है यही रिकॉर्ड। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम स्कूल फिर से पेरेंट्स से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वेरीफाई कर ले कि जो भी डिटेल आप दे रहे हैं वो करेक्ट हो, ताकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त करेक्ट डिटेल CBSE को जाए या जो भी स्कूल बोर्ड है उनके पास करेक्ट डिटेल जाए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही बच्चे के सर्टिफिकेट्स आगे बनते हैं। तो ये पहला मौका है रजिस्ट्रेशन के समय, जब स्कूल डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं तो उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो आप सबमिट करें और उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप कंफर्म करें कि वो सही हो, जो भी करेक्शन है तो आप उस टाइम करवा लें। दूसरा मौका आता है कि जब रजिस्ट्रेशन की लिस्ट स्कूल CBSE को भेजता है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल को भेजा जाता है, क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन कार्ड और क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन कार्ड। जब ये रजिस्ट्रेशन कार्ड रिसीव होता है तो उस टाइम भी स्कूल
पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और उनको बुलाते हैं कि आप अपने तरफ से वेरीफाई कीजिए कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी डिटेल है वो सही है। इस मौके पे भी आप जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस करवा सकते हैं। जनवरी तक का, जनवरी एंड के अराउंड तक का मौका होता है जब ये चेंजेस करवाए जा सकते हैं। अब आता है तीसरा मौका, वो होता है जब स्कूल अपने स्कूल में पढ़ रहे सारे स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाता है और उनकी पर्सनल डिटेल CBSE को या स्कूल बोर्ड को भेजता है, जिसे LOC या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कहते हैं। ये होता है अगले सेशन में, अगर 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ तो अगले साल के नवंबर के अराउंड होता है ये, जब बच्चा 10th में पहुंच चुका होता है और 11th में रजिस्ट्रेशन हुआ और अब स्टूडेंट 12th में पहुँच चुका होता है। नवम्बर से पहले एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो सूची होती है, जो भी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसके पर्सनल डिटेल्स सारे फाइनलाइज स्कूल करता है। उस समय भी स्कूल पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि ये आप लिस्ट को फिर से देख लो और अगर कोई करेक्शन है तो आप करवा सकते हैं। अगर उस टाइम आपको दिखता है कि ये स्पेलिंग गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देकर उसमें चेंजेस करा सकते हैं। अभी तक अगर आप कोई भी चेंजेस कराएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के फाइनलाइज होने के टाइम, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्कूल को इन्फॉर्म करना है कि ये चेंजेस है, बाकी काम स्कूल करेगा, आपको कोई फीस भी नहीं देनी है। लेकिन एक बार जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनलाइज हो गया और ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो भी पर्सनल डिटेल के साथ स्कूल CBSE को भेज देता है तो इसके बेसिस पर ही एडमिट कार्ड इशू होता है। अब मैं बता रही हूँ वो चौथा मौका जहाँ पर आप रिक्वायर्ड चेंजेस करा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम चेंजेस करवाना भूल गए या LOC के टाइम जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करवाना भूल गए, तो आप अब करवा सकते हो जब एडमिट कार्ड स्कूल में पहुंचता है। जब एडमिट कार्ड स्कूल में पहुंचता है तो वहां पे भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स है वो सही है। वहां पे भी अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उस समय भी करेक्शन हो सकता है, आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब फाइनलाइज हो गया, स्कूल ने CBSE को दे दिया, अब आपको चेंजेस करवाना है तो उसके लिए आपको 1000 rupees की फ़ीस भरनी होती है, जो CBSE अपने प्रोसेसिंग चार्ज के लिए वो लेता है। उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको CBSE को बनाकर देना होता है, तो 1000 rupees की ये फ़ीस आपको देनी होती है। तो ये चार मौके होते हैं जहाँ पर आप जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, कोई भी करेक्शन है, चाहे वो स्पेलिंग का हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का हो, वो आप करवा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चार ऐसे मौके हैं जहाँ पे पेरेंट्स को अगर लगता है कि कोई भी चेंजेस करना ज़रूरी है उनके नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में, तो वो करवा सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त, रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद, और LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूल द्वारा CBSE को भेजने से पहले, और एडमिट कार्ड रिसीव होने के बाद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।